पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में माधवगढ़ सीट पर और अन्य सीटों पर प्रचार करने के लिए भाजपा के लहर विधानसभा के युवा भाजपा नेताओं के द्वारा डेरा डालकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके द्वारा घर घर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है और लहार से प्रचार के लिए जाने वाले वरिष्ठ नेताओं में योगेंद्र सिंह पप्पू चाचा अपने समर्थकों के साथ माधुगढ़ विधानसभा में कैंपेन यहां पर चलता जा रहा है। उनके साथ राजीव शुक्ला, कोक सिंह चौहान, राम सिंह घिलोर, जय नारायण टेलर, राजू सक्सेना, नदी गांव चौहान आदि लोग सघन यहां पर प्रचार प्रसार से मूलचंद निरंजन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। ये बताना उचित होगा कि लहार के एक और युवा नेता हृदय सम्राट और भाजपा के कदावा नेता अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू भैया के द्वारा कई दिनों से पूरी माधोगढ़ विधानसभा के साथ अन्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा सौंपी गई है और वहां पर प्रभारी की भूमिका भी निभाकर मतदाताओं को भाजपा की उपलब्धियों से अवगत कराकर जन समर्थन इकट्ठा करवा रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ समर्थकों का हुजूम देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की आंधी चल रही है। जिस गांव में भी जाते हैं गांव भाजपा में ही दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मूलचंद निरंजन की जीत बिल्कुल पूरे भारत में अच्छी चल रही है। अकेली पांचों सीट नहीं, पूरे भारत में बीजेपी की स्थिति अच्छी है और न कोई सबसे जगह अच्छी अभी यूपी में धमाका होने वाला है। पूर्ण रूप से सुरक्षित मानती है। किसान 12 बजे रात को भी अपने खेत पर जाकर काम निडर होके करता है। आज माताएं बहनें भी निडर होके बाजार करती हैं। आज कोई भय नहीं है लोगों में। तमाम जनकल्याणकारी योजना जो माननीय योगी जी मोदी जी की सरकार ने जनता को दी है उससे आज जनता प्रसन्न है। मैं आज यहाँ उमरी नगर में हूँ। उमरी नगर के अंतर्गत ही इन 5 सालों में लगभग 1000 आवास लोगों को माननीय मोदी जी सरकार के द्वारा योगी जी सरकार के द्वारा दिए गए। जिन लोगों ने 5 दशकों तक लगभग 50 वर्ष तक और प्रदेश में जिन लोगों ने मैं समझते हैं 15-20 साल तक जिन लोगों ने सरकार चलाई है वो लोग अपने 50 सालों में